मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मार्च के आते ही उत्तर भारत में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। दिल्ली NCR, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के अधिकांश हिस्सों में 17 से 20 मार्च तक बारिश होने वाली है। इस दौरान आंधी, तूफान और ओले गिरने की संभावना है। 21 मार्च से यह मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 16 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद एक बार फिर से गर्मी बढ़ने लगेगी। 22 मार्च को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 70 डिग्री तक रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पड़ोस के ऊपर बना हुआ है, साथ ही दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर और पूर्वोत्तर राजस्थान के निचले स्तरों में एक चक्रवात बना हुआ है। इन परिस्थितियों के चलते पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में 17 से 20 मार्च तक तूफान और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 18 मार्च को छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR में अगले कुछ दिनों तक बारिश के चलते मौसम सुहाना रहने का अनुमान है। 20 मार्च तक आसमान में बादल रहेंगे, बारिश भी होगी। दिल्ली के लोगों को अगले 5 दिनों तक गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 17 रहने का अनुमान है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने का अनुमान जताया है। देश भर में गर्म दिन की बात करें तो तटीय कर्नाटक के मैंगलोर शहर में 11 मार्च को तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, जो एक सप्ताह के बीच देश में सबसे अधिक था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।